नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आया हूं बजघेड़ा जय दुर्गा ट्रक बॉडी वर्क्स पे। तो यहां पर आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों कि ट्रक की जो बॉडी है कैसे बनाई जाती है और यहां पर कौन कौन सी गाड़ियों का काम होता है, कैसे ट्रक बॉडी बनती है, क्या कुछ जो है कॉस्ट आती है अगर आप अपने ट्रक की बॉडी बनाना चाहते हैं, छोटी गाड़ी क्या कॉस्ट है, बड़ी गाड़ी की क्या कॉस्ट है। सबसे पहले आप जो एक व्यू यहाँ पे देख लीजिए, ये जो छोटी गाड़ी है दोस्तों यहाँ पे जो जैसे टाटा एस है इनकी बॉडी तैयार की गई है। इसके अलावा अगर आप बड़ी गाड़ी देखेंगे तो लाइव एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, बड़ी गाड़ी यहाँ पर जो है इनकी बॉडी तैयार की जा रही है, ये अभी तैयार हुआ है। ट्रक बॉडी कैसे बनती है, कैसे जो है मतलब एक प्रिपेयर होती है, कितना टाइम पीरियड इसमें लगता है और किस तरह का ये जो मटेरियल है जय दुर्गा बॉडी वर्क्स यूज़ करते हैं, कितनी लाइफ होती है एक ट्रक बॉडी की, वो सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। और आपके भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप अपने ट्रक की बॉडी बनवाना चाहती है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा इनकी जो डिटेल्स भी मैं आपको दूँगा, अगर आप इनका काम अगर आपको पसंद आता है तो आप इनसे जो है डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ी का काम होता है और क्या कुछ प्राइस है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए जय दुर्गा बॉडी वर्क से इनकी कांटेक्ट डिटेल्स है, ये जो सामने लिखी हुई है इस पर ही आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी बड़ा एरिया है, मीन्स लगभग 25-30 गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है काम के लिए। इनके ऑफिस में चलते हैं, ऑफिस भी इन्होंने एक जो कंटेनर है उसी को ही क्रिएट किया हुआ, आप सामने देखेंगे कंटेनर को ही ऑफिस बना रखा है। बाहर से थोड़ा देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन अंदर से आप देखेंगे तो इसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक ट्रक के डिब्बे में या फिर आप एक कंटेनर में है। इतना अच्छे वे में इसे क्रिएट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जानने की कोशिश करते हैं बाकी डिटेल। ठीक है दोस्तों, इससे पहले एक बार जो फिज़िकल वर्क प्रैक्टिकल वर्क है यहाँ पर ट्रक का, कैसे जो ट्रक बॉडी तैयार होती है वो हम देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ये जो गाड़ी है तैयार की गई है, CNG की नई गाड़ी है, इस पर पेंट किया गया है, इसकी बॉडी बनाई गई है। और यहाँ पर इसके अलावा ये जो गाड़ी है दोस्तों आइसर की Pro 2059, इसकी भी बॉडी कम्प्लीट कर दी गई है, आप देखेंगे तो बॉडी बना दी गई है। अभी इसमें कुछ काम चल रहा है, मीन्स फिनिशिंग का काम अभी बाकी है। इसके अलावा अगर इनिशियल पॉइंट की बात की जाए, यानी कि जब गाड़ी की चेसिस आती है फिर कैबिन आता है, जैसे वो सामने आप गाड़ी देखेंगे, वो उस गाड़ी की जो बॉडी है बननी है, उस तो उसकी बॉडी कैसे तैयार होगी दोस्तों? जैसे ये गाड़ी इनकी बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है, इनका मेजरमेंट लिया जाता है पहले। ये देखिए ये जो गाड़ी आई है यहाँ पर, अभी जो है कैबिन आने लगा है गाड़ियों के अंदर, पहले कैबिन भी नहीं आता था, अब इनकी जो बॉडी है वो यहाँ पर बनकर तैयार होगी, ये जो गाड़ी है इनकी बनकर तैयार होगी। मीन्स इसमें टाइम पीरियड जो लगेगा लगभग 5 से 6 दिन का टाइम पीरियड लग जाता है एक बॉडी के बनने में। ये आप देखेंगे यहाँ पर वर्क फोर्स जो मैन फोर्स है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और काफ़ी तेज़ी से काम यहाँ पर हो रहा है, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं दोस्तों। पूरा एक बार मैं घुमाकर दिखा देता हूँ जय दुर्गा बॉडी वर्क्स का। ये पीछे आप देख सकते हैं पहले मेजरमेंट करके कि गाड़ी की कितनी बॉडी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट किए जाते हैं, फिर कट किया जाता है और फिर काम। इसके अलावा जैसी भी डिज़ाइनिंग आप चाहते हैं अपनी बॉडी की वैसा डिज़ाइन आप ले सकते हैं। कैसा रॉ मटेरियल ये यूज़ कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, क्वालिटी भी आप जैसा चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वालिटी यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा जो ट्रक रिपेयर का वो वर्क भी यहाँ पर होता है, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम होता है दोस्तों। यहाँ पर व्यू आप देख लीजिए यहाँ का, ये देखिए दोस्तों अंदर जो गाड़ी के काम चल रहा है,
अंदर से वेल्डिंग की जा रही है। तो एक गाड़ी को तैयार होने में लगभग 6 से 7 दिन का टाइम लग जाता है अच्छे से तैयार होने में। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं कौन कौन सी गाड़ी का यहाँ पर वर्क हो रहा है। ये देखिए आइसर प्रो 2095 XP CNG गाड़ी है। ये गाड़ी देखेंगे हम, ये भी आइसर प्रो 2095 सेम गाड़ी है, CNG की है। इसकी जो बॉडी तैयार हो चुकी है दोस्तों, सेम गाड़ी है आइसर प्रो 2095 XP। इसके अलावा ये अलग गाड़ी है आइसर प्रो 2059 XP 2059 XP है। ये CNG की गाड़ी है, ये भी CNG की गाड़ी है। ये मॉडल है प्रो 2095 आइसर का। इसके अलावा ये जो गाड़ी है ये टाटा की गाड़ी है, ठीक है। ये टाटा 1212 गाड़ी है, ये भी एक टाटा ने नई गाड़ी लॉन्च की है। इसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। टाटा 1212 को जो गाड़ी का मैंने रिव्यू किया वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। इसके अलावा जो काम करते हैं, ये सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मशीन है। यहाँ से ये जो चादर जिसे बोलते हैं ट्रक की बॉडी की, यहाँ से मेजरमेंट करके ये इस मशीन के द्वारा कटिंग होती है। जैसे ये प्रोसेस आप देखेंगे, यहाँ पर जो चादर है कट की जा रही है। ये देखिए इन्होंने पहले मेजरमेंट कर लिया है, इसके बाद ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एक ट्रक की बॉडी को बनाने में क्या कुछ लगता है, क्या कुछ काम होता है। अब जो है चलते हैं इनके मैनेजर के पास, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे जय दुर्गा बॉडी वर्क्स के बारे में। तो ज़्यादा डिटेल हम जो है उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं इस यूनिक से ऑफिस के अंदर। ये भी जो है ट्रक बॉडी को काट कर ये ऑफिस बनाया गया है। तो ये ऑफिस इतना शानदार है, अंदर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ट्रक की बॉडी का पार्ट है ये। काफ़ी लग्जरियस वे में इसे जो है क्रिएट किया गया है। अब इस ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं तो देख सकते हैं काफ़ी लग्जरियस वे में इसे जो है क्रिएट किया गया है, अच्छा डेकोरेट किया गया है। अंदर से अगर हम देखें तो ऐसा फील नहीं होता दोस्तों कि ट्रक बॉडी का जो है या ट्रक कंटेनर का एक पार्ट है। काफ़ी अच्छे वे में इसे डेकोरेट और डिज़ाइन किया गया है। नमस्कार सर, ट्रांसपोर्ट अड्डा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी। आपका गुड नेम? राजीव। ठीक है, थैंक यू। राजीव जी, जय दुर्गा बॉडी वर्क्स के मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे यहाँ पर काम हो रहा है, काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। मैं इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगा। बाकी आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा सर, कौन कौन सी गाड़ियों का आप काम करते हैं, कौन सी गाड़ी की जो है बॉडी बनाने आप मीन्स परफेक्ट है, कौन सी गाड़ी आप एक्सेप्ट करते हैं? सर जनरली जो है टाटा हो गया, अपने पास आइसर हो गया, माजदा हो गया, भारत बेंच हो गई, जो भी मतलब कस्टमर्स प्रेफर करते हैं गाड़ी। अच्छा, वो सारी बनाते हैं टाटा माजदा आइसर, मतलब सभी की जो कमर्शियल व्हीकल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, गाड़ियों का जो डिज़ाइन होता है वो आप डिसाइड करते हैं, फिर कस्टमर की जो डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग रहते हैं, या फिर एक नॉर्मल जैसे लोडिंग गाड़ी है उनका डिज़ाइन का क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ये सब क्या है ना, एक सेट पैटर्न चलता है, एक सेम पैटर्न। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये आपने फोटोज वगैरह क्लिक करी होंगी, देखा होगा डब्बा आपने। बिल्कुल, ये जो डब्बे पड़ते शीट पे, ये सभी यही पैटर्न सभी गाड़ियों पर लगता है। हाँ जी। तो सर क्वालिटी किस टाइप की यूज़ होती है हमारे जो ट्रक बॉडी बनाने में, किस टाइप की क्वालिटी यूज़ करते हैं? क्वालिटी है ना मेनली डिपेंड करती है आपकी कितने गेज की हम शीट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो शीट होती है ना कितने एमएम की है, थिकनेस जो बोलते हैं उसको जी। वो ये आती है आपकी 16 गेज 18 गेज और 20x22 आती है। ज़्यादातर कौन सी यूज होती है सर? सर 16 और 18। 16 और 18 साइड के लिए क्या है, अपन 16 यूज़ करते हैं जी, और फर्श में अपना 10 गेज यूज़ करते हैं, छत के लिए अपना 16 गेज जी सर। तो सर जैसे यहाँ से अगर मैं ट्रक की बॉडी बनाता हूँ तो आप क्या कुछ मतलब कस्टमर को बोलते हैं कि इसकी लाइफ कितनी रहेगी, 10 साल 12 साल 15 साल ऐसा कुछ? लाइफ देखो सर सिर्फ डब्बे की इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप यूज़ कैसे कर रहे हैं डब्बे। हाँ जी बिल्कुल, एप्लीकेशन कैसे है ट्रक की। हाँ जी, यूज करता है फिर भी एक एस्टिमेट होता है सर, 10 से 12 साल बोल सकते हैं? देखो सर हमारे पास ना कई कस्टमर फ़ोन करते हैं कि भैया ऐसा जो आपने बॉडी बनाकर दी है ना, हाँ वो हमने दूसरी गाड़ी पर रखवानी है।
मतलब अच्छी चलती है। हाँ जी, ये तो आपके यूज के ऊपर है कितना आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सर आप जो है अपना यहाँ का प्रॉपर एड्रेस एक बार बता दीजिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल बता दीजिए, अगर हमारे जो व्यूअर्स है आपसे अपनी गाड़ी का काम करवाना चाहते हो डायरेक्ट वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। सर कॉन्टैक्ट नंबर ये अपना यहाँ पर आपने योगा वीडियो नंबर शो हो चुका है, बाकी फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ 9818741167। ठीक है, और एड्रेस वगैरह के लिए आप गूगल कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गेड़ा गुड़गांव। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।